आज हम लोग पर्यावरण का खेल खेलने जा रहे हैं और इस पर्यावरण के खेल में आप लोग देखेंगे इस प्रकार से रस्सी बच्चे लोग पकड़े हुए हैं और ये है घास और तुम क्या हो फिर उधर नदी और पहाड़ जानवर पक्षी और हम सब इंसान है ना। तो पर्यावरण में सारे ये जो है सजीव घटक हैं हम सब और ये रस्सी को हम तान के रखे हैं और मैं जिसको बोलूँगी वो रस्सी छोड़ेगा वो बच्चा है ना। तो हम देखेंगे बैठ जाएंगे हम देखेंगे यहाँ पर कि इस पर्यावरण जो हमारा पर्यावरण है इसी प्रकार से सारे घटकों से मिलकर बना है और इसी प्रकार से ये कितना क्या दिख रहा है तना हुआ दिख रहा है ना। यानी सारे घटक हैं तो हमारा पर्यावरण कैसा दिख रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है सुनियोजित दिख रहा है ना। और एकदम देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना सीधा। यदि मैं कहूँ इस पर्यावरण से अगर हम नदी को हटा दें नदी बैठ जाओ छोड़ दो देखो क्या हुआ हमारा पर्यावरण क्या हुआ केवल एक नदी से क्या हो गया हमारा पर्यावरण यहाँ पे गिर गया। इसी प्रकार से नदी अब खड़े हो जाओ इसको पकड़ के खड़े हो जाओ। यदि मैं कहती हूँ कि पर्यावरण से हम अगर पंछी को हटा दें पंछी हट जाए पर्यावरण से तो ये इस प्रकार से हमारा पर्यावरण का जो धागा है वह टूट जाएगा है ना और हमारा पूरा पर्यावरण बिखर जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं कहती हूँ पेड़ को यदि इस पर्यावरण से मैं काट दूँ तो क्या हुआ देखो हमारा पर्यावरण क्या हो गया इसमें लोच आ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो पर्यावरण है इन सारे घटकों से मिलकर बना है और यदि एक भी घटक इसमें से हटता है तो क्या होगा ये पर्यावरण क्या होगा टूट जाएगा बिखर जाएगा और क्या होगा तबाही आ जाएगी। इसलिए पेड़ भी ज़रूरी है पंछी भी ज़रूरी है और क्या ज़रूरी है तुम क्या हो नदी हो ठीक है ना नदी भी ज़रूरी है ठीक है। और खेलते हैं इस गेम को।